महासागर में रातों रात रूस की नौसेना के एक बड़े बेस पर हमला हुआ, लेकिन उस हमले पर रूस और यूक्रेन दोनों ने अलग अलग दावे किए। यूक्रेन ने दावा किया कि उसके हमले में रूस की नौसेना के एक जहाज को तगड़ा नुकसान पहुंचा, मगर रूस ने नुकसान पर कोई बात नहीं की, उल्टा उसने दावा किया कि उसने यूक्रेन के हमले को नाकाम कर दिया। इसके बाद यूक्रेन ने अपनी बात को साबित करने के लिए एक वीडियो जारी कर दिया, जिसे देखकर ऐसा लगा कि वो किसी समुद्री ड्रोन पर लगे कैमरे से लिया गया है। वीडियो में वो समुद्री ड्रोन पानी में तेजी से आगे बढ़ता नजर आया। सामने रूस की नौसेना का बड़ा सा जंगी जहाज नजर आया। ड्रोन जैसे ही जहाज के करीब पहुंचा, वीडियो अचानक बंद हो गया। यह हमला रूस के नवरासिस्क बंदरगाह के पास उसकी नौसेना के बेस पर हुआ। नवरासिस्क काला सागर में रूस का बहुत अहम बंदरगाह है, वो रूस का एक्सपोर्ट हब है। यूक्रेन ने दावा किया कि उसके समुद्री ड्रोन ने इतना तगड़ा वार किया कि रूस का जहाज फिलहाल जंग में हिस्सा नहीं ले पाएगा, क्योंकि दावा किया गया कि जिस ड्रोन ने जहाज पर हमला किया उसमें 450 किलो डायनामाइट था। मगर अपना नुकसान मानना तो दूर, रूस ने उल्टा ये दावा ठोक दिया कि उसके जंगी जहाजों ने यूक्रेन के ड्रोन को नष्ट कर दिया और उसको कामयाब नहीं होने दिया। इस बीच रूस ने मॉस्को की तरफ हमले के लिए बढ़ रहे ड्रोन को मार गिराने का दावा कर दिया। रूस के रक्षा मंत्रालय ने एक बयान जारी करते हुए बताया कि उनके सैनिकों ने ड्रोन के साथ एक आतंकी हमले को नाकाम कर दिया, क्योंकि आरोप है कि रूस के भीषण हमलों से यूक्रेन बौखला गया और उसने मॉस्को पर ड्रोन अटैक करने की कोशिश की। लेकिन रूस ने दावा किया कि उसकी सेना ने हवा में ही यूक्रेन के साथ ड्रोन मार गिराए, जिसके बाद रूस के रक्षा मंत्रालय ने बयान जारी करते हुए यूक्रेन के इस ड्रोन अटैक को आतंकी हमला बता दिया। दावा किया गया कि मॉस्को को यूक्रेन की फौज ने ड्रोन से निशाना बनाया, जिसे मॉस्को से करीब 200 किलोमीटर दूर कलुगा प्रांत में ही रूस के सैनिकों ने तबाह कर दिया। हालांकि रूस ने इस दावे को लेकर यूक्रेन ने कोई बयान जारी नहीं किया। उधर अमेरिका के मीडिया के मुताबिक यूक्रेन में रूस के कब्जे वाले इलाकों में वहां के नागरिकों को जबरन रूस की नागरिकता दिलाई जा रही है। दावा किया गया कि इसका विरोध करने वालों को कई तरीकों से प्रताड़ित किया जा रहा है, और ये दावा अमेरिका में येल यूनिवर्सिटी के रिसर्चरों के हवाले से किया गया, जिसके मुताबिक यूक्रेन के लुहांस्क, डोनेस्क, खेरसोन, ज़ापोरिज़िया के लोगों को जबरदस्ती रूस की नागरिकता दिलाई जा रही है। ये वही इलाके हैं जिन्हें पुतिन ने यूक्रेन पर हमले से पहले अपना बताया था, और करीब 17 महीने की जंग में रूस ने वहां कब्जे का दावा किया। येल यूनिवर्सिटी के रिसर्चरों के मुताबिक रूस की तरफ से अब इन इलाकों में रहने वाले लोगों पर रूसी नागरिक बनने के लिए दबाव बनाया जा रहा है, और विरोध करने वाले लोगों को वहां से खदेड़ने और हिरासत में लेने की धमकी भी दी जा रही है। वहीं दावा किया गया कि 17 महीने से चल रही जंग से भागने के लिए यूक्रेन के सैनिक झूठी मेडिकल रिपोर्ट बनवा रहे हैं, जिसमें सेना के कुछ अधिकारियों के भी शामिल होने का दावा किया गया, जिन्हें नकली रिपोर्ट के बदले 5 लाख रुपए दिए जाने के आरोप लगे। और यूक्रेन की राजधानी कीव और ओदेसा समेत करीब 100 जगह पर पुलिस ने छापेमारी की, जहां नकली मेडिकल सर्टिफिकेट बनाए जा रहे थे। दावा किया गया कि रूस से चल रही भीषण जंग में जाने से बचने के लिए यूक्रेन के सैनिक झूठी मेडिकल रिपोर्ट बनवा रहे हैं। वहीं इस फर्जीवाड़े में वहां सेना के कुछ अधिकारी भी शामिल बताए गए, जिन पर नकली मेडिकल रिपोर्ट बनवाने के लिए सैनिकों से 5 लाख रुपए लिए जाने का दावा किया गया, ताकि नकली रिपोर्ट के जरिए कुछ लोगों को सेना में भर्ती होने के लिए अनफिट दिखाया जा सके। वहीं झूठी मेडिकल रिपोर्ट का इस्तेमाल कर कुछ लोगों के यूक्रेन छोड़कर जाने का भी दावा किया गया। उधर पश्चिम मीडिया ने दावा किया कि यूक्रेन से लगे बॉर्डर पर हमले रोकने के लिए रूस ने अपने लड़ाकों को हथियारों की खेप पहुंचा दी। ये वो लड़ाके हैं जिन्हें पुतिन ने रूस के सशस्त्र बलों, नेशनल गार्ड और पुलिस की मदद के लिए पिछले साल दिसंबर में तैयार किया था, जिनका मकसद यूक्रेन की सीमा से लगे इलाकों की सुरक्षा करना और रूसी सेना की मदद करना है। पश्चिमी मीडिया के मुताबिक रूस ने अपने कुर्स्क और बेलग्रद इलाके में लड़ाकों की ऐसी फौज तैयार कर ली जो सीमा की सुरक्षा में कभी भी तैनात किए जा सकते हैं। ये दोनों शहर यूक्रेन बॉर्डर के बिल्कुल नजदीक है, और इसी वजह से रूस ने यहां इन लड़ाकों को न सिर्फ जंग लड़ने की ट्रेनिंग दी बल्कि हथियार भी पहुंचा दिए। मतलब ये कि ये लड़ाके इस इलाके में रूस के लिए एक प्राइवेट आर्मी की तरह जंग लड़ेंगे। रूस का दावा है कि कुर्स्क और बेलग्रद में यूक्रेन की सेना आए दिनों हमले को अंजाम देती रहती है, जिससे निपटने की जिम्मेदारी अब इन लड़ाकों की होगी।